सो वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की अपडेट होने वाली है बहुत ज़्यादा ऑसम, और यहाँ पे अपडेट है दो पर्टिकुलर इंटरनेशनल कंपनी के अंदर। दो प्रोफाइल पर हायरिंग निकली है, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। जो कंपनी का नेम है, पहली कंपनी आपकी रहेगी कैपजेमिनी, सेकेंड कंपनी आपकी HP। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ये नॉन कोडिंग जॉब है, मतलब एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं कैपजेमिनी के अंदर, और HP के अंदर कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोफाइल है, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये दोनों कंपनियाँ पसंद है, जो कि डेफिनेटली होगी, तो यार वीडियो को एडवांस में लाइक कर दीजिए, बिना कोई बुलशिट से डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सो वेलकम बैक टू जॉब वैकेंसी रिजल्ट। मैं सचिन चौहान आपके लिए लेके आ चुका हूं यहां पे पर्टिकुलर दो कंपनी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के अंदर अपडेट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैपजेमिनी से। मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, दोनों कंपनी की लास्ट डेट दी गई है, तो आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है। यू डोंट हैव सो मच टाइम, तो उसको बिल्कुल वेस्ट मत करना। जैसी वीडियो देखोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करोगे। क्लियरली ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे एक दो स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दूंगा, ऑफिशियली वेबसाइट पे अप्लाई बटन कहाँ पे है, कैसे क्लिक करना है, रिज्यूम अपलोड करना है, प्रोफाइल बताना है, और आप उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें यहाँ पे कर लोगे। पर एक्जैक्टली जो है किस चीज़ की और कैसे अप्लाई करना है, तो स्टार्टिंग में कैपजेमिनी की क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद में आपको क्लियर करूंगा HP की। तो यहाँ पे जो प्रोफाइल है, सर्विस डेस्क CIS की होने वाली है, नॉन कोडिंग जॉब होगी। तो एनी ग्रेजुएट, BSc, BCom, BTech, आपने कुछ भी कंप्लीट करा, यू कैन अप्लाई डायरेक्टली। सैलरी पैकेज थोड़ा सा कम है, पर आप समझ सकते हैं आपकी जो कंपनी है वो इंटरनेशनल लेवल की है, तो आपको अलाउंसेस अच्छे मिलेंगे, ऑफिस एनवायरनमेंट आपका अच्छे होने वाला है, और करियर ग्रोथ भी आपकी काफी अच्छी रहेगी। सैलरी यहाँ पे 2.5 लाख पर एनम है। देखो, जो रियलिटी है मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, यहाँ पे कैपजेमिनी के नाम से मैं 10 और 12 लाख की सैलरी नहीं बताऊंगा, जितनी है उतनी ही आपको यहाँ पे डायरेक्टली बताई जाएगी। और यहाँ पे क्लियरली लिखा गया लास्ट डेट इज 12th of December, तो आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है। तो आज यहाँ पे 10 दिसंबर है, आपके पास जस्ट 2 डेज हैं इसको अप्लाई करने के लिए। और मैं आपको क्लियरली बताऊँ, यहाँ पे आपको 30 मिनट्स या 25 मिनट तो लगेंगे अप्लाई करने में, क्योंकि पूरा पर्टिकुलर फॉर्म है, आप उसे फिल करोगे, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल करोगे, तो इट इज़ अ रियली टाइम टेकन प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने क्लिक किया, दो इन्फॉर्मेशन डाली, फॉर्म फिल हो गया। आप ऑफिशियली वेबसाइट पे अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल डेफिनेटली करने वाले हो। थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं एक्जैक्टली इस प्रोफाइल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाली है, क्या स्किल सेट की डिमांड करी गई है। सो दोस्तों, जैसे आपको हमने प्रोफाइल बताया सर्विस डेस्क, तो सर्विस डेस्क के अंदर मेजरली जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसको आप फुलफिल करते हो। देखो, कोई भी कंपनी है उसमें एक कस्टमर है, कस्टमर की बहुत सारी डिफिकल्टी आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो सभी चीज़ों को सुनना, उनके अकॉर्डिंग चेंजेस करना और आगे उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, इस पूरे प्रोसेस में ही आपका काम होने वाला है। देखो, मैं बहुत सिंपली वे में बता रहा हूँ, कोई टेक्निकल टर्म यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा, वरना आप अगर यहाँ पे स्क्रीन पे देखोगे प्रॉपर लाइन में आपको टेक्निकल वर्ड दिख रही होगी ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका नेचर होना चाहिए, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए, क्योंकि आप सुन भी रहे हो और उनकी प्रॉब्लम को उसका आगे डिराइव भी कर रहे हो। देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं आएंगी, सर्विस से रिलेटेड चीज़ें डेफिनेटली होने वाली हैं। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे ईजली आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि फ्रेशर को ये हायर कर रहे हैं, तो मेजरली ये 24/7 की डिजायरेबल टाइमिंग रहेगी, मतलब आप रोटेशन शिफ्ट के लिए भी कंफर्टेबल होने चाहिए, हाईली एंथुजास्टिक पर्सन होने चाहिए, हाईली डेडिकेटेड पर्सन होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। रही बात काम की, काम वो आपको सिखा देंगे, डेफिनेटली आपको सिखा देंगे, ट्रेनिंग होगी, उस ट्रेनिंग के ड्यूरेशन के अंदर आपको पेड भी किया जाएगा। यहाँ पे बस थोड़ी सी टर्म एंड कंडीशन रखी गई है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए 2020 और 2021 के, और आपकी 10th एंड 12th के अंदर 55% मिनिमम स्कोर होना चाहिए। तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इस टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करते हैं और यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक दो और स्किल दिए गए हैं जो कि डिजायरेबल स्किल हैं, आप उनको भी यहाँ पे डेफिनेटली जरूर देखें, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि अगर ये स्किल आपके अंदर है तो आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, और ये स्किल अगर आपके अंदर है तो आपके जॉब में सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। जिसके अंदर आपका विलिंग टू वर्क 24/7 लिखा है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी, आपके बहुत सारे क्लाइंट जो हैं वो अब्रॉड के रहेंगे, तो वहाँ पे आपको रात को भी बहुत बार वर्क करना पड़ सकता है। सेकेंडली यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि आप सर्विस एग्रीमेंट पे यहाँ पे डेफिनेटली इनके साइन करें, जो भी इनके टर्म्स एंड नॉर्म्स होते हैं उनको एग्री करें, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, तो वो डाटा का मिसयूज आप ना करें। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा आपको कंप्यूटर स्किल की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं कंप्यूटर स्किल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक्सेल और नेटवर्किंग से रिलेटेड भी स्किल की बात कर रहा हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ। बेसिक कंप्यूटर स्किल के अंदर आजकल वो चीज़ें भी एड ऑन होती हैं, और जो कि बहुत रियली बहुत बेसिक है। अगर यहाँ पे पर्सनली मैं भी आपको 2 या 3 घंटे के अंदर वो चीज़ें बताऊंगा, तो आपको वो क्लियर हो जाएंगी, इतनी बेसिक है, तो वो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, अब बात करते हैं भाई अप्लाई कैसे करना है। जॉब तो मैंने बता दी, तो अप्लाई जो होगा सुपर सेट पे, सुपर सेट यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होगा जिन्होंने पहले भी कैपजेमिनी के अंदर अप्लाई करा है।
कैपजेमिनी की एप्लीकेशन प्रोसीजर सुपरसेट के होके थ्रू होता है। यहाँ पे क्या है, जो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है, जब आप वहां पे अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करते हो तो वो स्टार्टिंग ही बता देता है आर यू एलिजिबल और नॉट। तो बहुत बार क्या होता है कि आप एलिजिबल नहीं होते किसी भी टर्म एंड कंडीशन से, तो वहां पे आप पूरा फॉर्म फिल कर देते हो, आपका टाइम वेस्ट होता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपका स्टार्टिंग में क्लियरली हो जाएगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अगर आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पा रहे तो डोंट वरी, आप दूसरी जॉब अप्लाई कर लेना HP की, जो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। और जो लोग अप्लाई कर पा रहे हैं, एलिजिबल हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करें। उसके बाद आपका सिलेक्शन जो प्रोसीजर है, उसके बाद आपका वर्चुअल असेसमेंट रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको मेल पे बता दी जाएगी। मतलब सारी चीज़ें वर्चुअल होने वाली है, तो मुझे लगता है लोकेशन का बैरियर यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करें। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा ऑसम है, डेट कम है, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करना, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करना। बात करते हैं अपनी सेकंड कंपनी और उस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। तो ये कंपनी है आपकी HP, यस वही HP जिसके लैपटॉप और डेस्कटॉप आप काफी ज्यादा यूज करते हो। वहां पे भी फ्रेशर लेवल पे निकली है, बट जो क्वालिफिकेशन है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी MBA। MBA के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे और तब हमने उन कमेंट को रीड आउट करा, तो वहां पे हमें लगा कि फ्रेशर MBA पे भी मैं फोकस करना चाहिए। मोस्ट ऑफ तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएट एंड 12th पास पे टारगेट करता हूँ, पर यहाँ पे MBA कैंडिडेट भी काफ़ी ज़्यादा थे। और मैं रियली मैं चाहता हूँ जितने भी MBA कैंडिडेट हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि उन्होंने अपनी MBA किस पर्टिकुलर स्ट्रीम से कंप्लीट करी, MBA इन HR, MBA इन मार्केटिंग। तो उससे हम नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी MBA की जॉब लाएं तो उस फील्ड को स्पेशली फोकस करें। अभी बैक टू द कंटेंट और HP की ही प्रोफाइल पे आते हैं। तो ये MBA वाले कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफाइल आपकी होने वाली है यहाँ पे करियर ग्रोथ आपकी सबसे ज़्यादा होती है फाइनेंशियली एनालिस्ट की। तो एनालिस्ट की कभी भी अगर प्रोफाइल निकले तो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर होने वाला है, डाटा फ्यूचर है, डाटा को एनालिस्ट करने वाला भी यहाँ पे एक करियर ग्रोथ अच्छी ले सकता है। लास्ट डेट इसकी 23rd of December है, तो यू हैव इनफ टाइम, पर आप ज़्यादा वेट मत करिए, अभी जाके अप्लाई कर लीजिए। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मेजरली कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अगर यहाँ पे बात करें आपके रिक्वायरमेंट या स्किल सेट की, तो टाइटल से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आपके एनालिटिक्स स्किल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, अच्छा टीम वर्क होना चाहिए, क्योंकि जो भी बड़ी कंपनियाँ होती हैं वहाँ पे प्रोजेक्ट मिलते हैं और टीम वर्क आपका होता है, तो इस पैरामीटर्स पे भी आपको जज किया जाएगा। और आपके पूरे इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं, जहाँ पर इन चीज़ों को आपको ईजिली जज किया जा सके। और साथ में आपके गुड बिजनेस एप्लीकेशन स्किल्स भी होने चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को भी टारगेट किया जाता है MBA वाले कैंडिडेट के लिए स्पेशली। मतलब यहाँ पे आपके वर्बली, कम्युनिकेशनली और टेक्निकली आप तीनों पैरामीटर पे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होने चाहिए, क्योंकि इस टाइप की जो कंपनी होती है वो क्रीमी कैंडिडेट को ज़्यादा टारगेट करती है। तो वो चीज़ आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से अपना इंटरव्यू अपलोड करते हैं, उन सब चीज़ों पर डिपेंड रहेगी। यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, जिससे आपको पता चले अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड हो जाता है, आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी है वो आपको खुद को फिगर आउट करनी है, बहुत ईजी वे में कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया है। बहुत बार क्या होता है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के अंदर बता देता हूँ, वेबसाइट पे विजिट नहीं करते और एग्जैक्टली फिगर आउट नहीं कर पाते यू आर द सुटेबल कैंडिडेट यस और नोट, और आप वहाँ पे नेक्स्ट पे स्विच कर देते हो। आप सिर्फ जॉब को देखते हो, अप्लाई नहीं करते, तो उससे क्या होता है कि सिर्फ आप देखते रह जाते हो पर फाइनली जो आउटपुट आने वो नहीं आता। इसलिए मैं इस बार इस चीज़ को खाली छोड़ रहा हूँ, वेबसाइट पे विजिट करिए अगर रियल में जॉब चाहते हैं, वहाँ पे चीज़ों को रीड आउट करें, ओवरव्यू मैं आपको दे चुका हूँ। फिर भी कोई डिफिकल्टी है, नीचे कमेंट सेक्शन है, मैं अवेलेबल हूँ, आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि आप चाहते हैं यहाँ पे हम पर्सनली पूरे के पूरे इस जॉब को अप्लाई करके आपको सामने दिखाएं, जिसे अप्लाई करते समय जो डिफिकल्टी आपको फेस होती है वो ना हो, यस और नो नीचे मुझे कमेंट में यस और नो करके भी बताइएगा। मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद।